अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जॉइंट लेस लगाने का नया तरीका। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने कपड़े का एक पीस लिया है, इस पर मैं आपको जॉइंट लेस न्यू मेथड से अटैच करना सिखाऊंगी। कपड़े की सीधी साइड रखनी है और जॉइंट लेस को भी इस पर सीधा करके रखना है और जॉइंट लेस को कपड़े के किनारे के साथ रखना है। इस तरीके से जॉइंट लेस को किनारे के साथ ही रख के सिलाई लगानी है। तो मैं कपड़े को और जॉइंट लेस को सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। वर्क में बहुत सारी गलतियाँ करके ये जॉइंट लेस लगाने का नया तरीका आपके लिए लाई हूँ और यकीन जानिए कि बहुत ही आसान तरीका है। ये सिलाई लग के मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब एक्स्ट्रा जॉइंट लेस को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको बता दी चलूँ कि मेरे पास जो जॉइंट लेस की चौड़ाई है वो 1.25 इंच की है और कम से कम आपके पास 1.25 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। तरीके से जॉइंट लेस लगाने में आपके पास लेस की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, आपकी जॉइंट लेस अच्छे तरीके से लगेगी। दूसरी साइड से भी जॉइंट लेस पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अपने कपड़े को भी रखना है और जॉइंट लेस को भी रख के सिलाई लगानी है। न कपड़ा आपने खींचना है और न जॉइंट लेस को खींचना है, इस तरह से आपने ये सिलाई लगानी है। अब ये दो सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब बैक साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिलाई कपड़े के किनारे से लगाई हुई है और एक सिलाई जहाँ पे जॉइंट लेस ख़त्म हुई है उस पे लगाई है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब किनारे वाली साइड को छोड़ के जॉइंट लेस की जो दूसरी साइड है उससे हमें पीछे की तरफ कपड़ा कुछ इस तरह से कट करना है कि जो सिलाई हमारी लगी हुई है उसके करीब करीब हमें कपड़े की कटिंग करनी है। बस थोड़ा सा भी कपड़ा हमने ज़्यादा नहीं रखना, कोई मार्जिन सिलाई का नहीं देना है, बस इस सिलाई के साथ साथ इस कपड़े को कट करना है इस तरीके से। बस ये ध्यान रहे कि हमारी सिलाई जो है उस पर कोई कट ना आए, बाकी कपड़ा हमने सिलाई के साथ ही पूरा कट कर देना है। बस इसी तरीके से ये पूरा कपड़ा मैं कट कर लूँगी। ये कपड़ा मेरा कट हो चुका है व्यूअर्स। इसके बाद मैं सीधी साइड से इस तरह फोल्ड करके और उल्टी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। जिस सिलाई के साथ मैंने कपड़ा कट किया था उस सिलाई को अंदर की तरफ रहने देना है और बाहर की तरफ मुझे ये सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ये सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लग के मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी साइड पे मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। व्यूअर्स, ये जॉइंट लेस लगाने का नया तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये तरीका आप अपनी कुर्ती के दामन पे, स्लीव्स पे और ट्राउज़र के बॉटम पे अप्लाई कर सकते हैं। यकीन जानिए आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद हमने इस तरीके से जो कपड़ा कट किया था उसको फोल्ड करते हुए सीधी साइड से सिलाई लगानी है जॉइंट लेस के ऊपर, इसकी फोल्डिंग करके और सिलाई लगानी है इस तरीके से। आपने इस सिलाई को लगाते हुए गौर से देखना है कि ये सिलाई मैं किस तरह लगा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरीके से व्यूवर्स, अगर आपके पास इससे ज़्यादा चौड़ी लेस हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ी लेस होगी तो उसमें आपका डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत बनेगा। लेकिन 1.25 इंच की चौड़ी लेस पे भी आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनाया है और किस आसानी के साथ मैंने ये जॉइंट लेस अटैच की है। जॉइंट लेस लगाने का ये नया तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूअर्स, जॉइंट लेस लग के हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत बना है और किस आसानी के साथ हमने इस जॉइंट लेस को अटैच किया। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।